मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र के जेतपुर गांव में बोरवेल में फंसा 4 वर्षीय मासूम प्रहलाद जिंदगी की जंग हार गया। शनिवार रविवार दरमियान रात 3 बजे उसे बाहर निकाला गया, जिसके बाद उसे रेस्क्यू टीम अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। करीब 90 घंटे से प्रहलाद बोरवेल में फंसा था। प्रहलाद की सकुशल वापस निकलने का इंतजार कर रहे माता पिता और परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना मिलने के बाद गाँव में मातम पसर गया। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में करीब 100 घंटे बाद बोरवेल में गिरे बच्चे प्रहलाद को शनिवार देर रात निकाला गया, लेकिन वह जिंदगी की जंग हार गया। प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी प्रहलाद को बोरवेल से जिंदा नहीं बचाया जा सका। मासूम प्रहलाद को जब बोरवेल से निकालने के बाद तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। डॉक्टरों ने बताया कि प्रहलाद की पहले ही मौत हो चुकी थी, उसे मृत अवस्था में ही अस्पताल लाया गया था। उसकी मौत दम घुटने से हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। इसके अलावा पानी के कारण भी उसकी बॉडी पर असर पड़ा है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि आखिर मौत के और क्या कारण रहे हैं। ये हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग हो रही थी, हमारी हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग काफी आगे तक पहुंच गई है, करीब 6 इंच अभी बाकी है, लेकिन जैसे जैसे हम पास जा रहे हैं वहाँ पर पानी का फ्लो और दूसरी चीजें, जैसे कि हमारे को उतना ही एहतियात भी बरतना पड़ रहा है कि जैसे जैसे बोर के पास हम जाते हैं तो वहाँ पर हमारे को हरकत भी दिख रही है, लेकिन वहाँ पर उतना ही एहतियात भी बरतना पड़ रहा है, इसलिए मशीन को हटा के कभी कभी स्क्रैच भी करना पड़ रहा है, तो धीरे धीरे उसको स्क्रैच करके हम मिट्टी को हटाते हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगने की उम्मीद है। अभी एक से 1.5 घंटा और लगेगा। अभी हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि इसको सफलतापूर्वक हम अंजाम देंगे, और हमारी टीमें लगी हुई हैं, लगातार लगी हुई हैं, लेकिन बोर के साथ जो हमारी हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग है उसको हमारे को बहुत ही एहतियात से करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा टाइम और लग रहा है। पूरी तैयारी कर ली गई थी, एम्बुलेंस भी आ गई थी जी, तैयारी रिपोर्ट किया था, नहीं क्या माना जाए, स्ट्रेचर भी पहुंच गया था जी। ये तैयारी हमारे को पता है कि तैयारी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा ये प्लानिंग है कि बालक को निकाल के, बच्चे को निकाल के सीधे एम्बुलेंस में बैठा के और हम रिक्विजिट हॉस्पिटल ले जाएंगे, मतलब उनको डॉक्टरों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। डॉक्टर अपना, हमने 3 हॉस्पिटल भी तय कर लिए हैं जहाँ जहाँ ले जाया जा सकता है, और इसीलिए हमने एम्बुलेंस भी तैयार की है। नहीं, बता दें कि निवाड़ी जिले के सेतपुरा गाँव में हिरी किशन का 4 साल का बेटा प्रहलाद बुधवार की सुबह खेत में खोदे गए 200 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था। उसके बाद से ही बच्चे को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश, निवाड़ी।